हरियाणा में जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाया जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू की गई थी, तुम्हें जिसे निरोगी हरियाणा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। निरोगी योजना हरियाणा सरकार की तरफ से संचालित एक जनहितकारी योजना है। योजना के तहत राज्य में रहने वाले नागरिकों का मुफ्त में मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। इस योजना के तहत भले ही सबसे पहले गरीब परिवारों को चुना गया है, लेकिन मकसद प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जांच करना है, ताकि अगर कोई भी गंभीर बीमारी निकले तो उसका इलाज किया जा सके। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है, ताकि जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य संबंधी योजना बनाने में कोई दिक्कत न हो और भविष्य में इसका इस्तेमाल करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। फरीदाबाद के गुरुदत्त ने बताया कि उन्होंने सरकार की निरोगी हरियाणा योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने ये बताया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं, लेकिन उनका आयुष्मान का कार्ड बना हुआ है और ये योजना गरीबों के फायदे के लिए है। साथ ही उन्होंने इस योजना को चलाने के लिए मनोहर सरकार का हार्दिक धन्यवाद भी किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदत्त है जी। गुरुदत्त, आयुष्मान कार्ड बना, कितना लाभ मिला आपका? देखो जी, ये बीपीएल कार्ड के थ्रू मिला बना था आयुष्मान कार्ड। इसका जीरो बैलेंस से लेकर 5 लाख तक का इसका वो है। अपने हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसका हम लाभ उठा सकते हैं। ये हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब ने बहुत बहुत उसका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी जो है नीति लाई हुई है, और हम शुक्रिया करते हैं कि बहुत बहुत मेहरबानी हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट मिनिस्टर मनोहर लाल। कितना लाभ उठाया गया आपके द्वारा, जिसका कभी लाभ उठाया आपने? इसका देखो जी, कार्ड बना हुआ है, लेकिन लाभ तो नहीं उठाया, लेकिन अभी तक भगवान कृपा से इसकी। लाभार्थी परशुराम ने बताया कि उनके पिता को पित्त की थैली में समस्या थी, जिसका इलाज करवाना बेहद जरूरी था। अगर सरकार की योजना न होती तो वे इलाज करवाने में सक्षम नहीं हो पाते, इलाज नहीं करवा पाते। उन्होंने बताया कि उनके पिता के इलाज सरकार की योजना के तहत ही हुए हैं। तो वहीं उनके पिता की पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया, जो कि बिल्कुल मुफ्त में हुआ और सफल हुआ। सर, हमें फायदा बहुत मिला इसे। अगर हम कहीं आयुष्मान कार्ड के थ्रू नहीं कराते तो 55-60 हज़ार रुपये लग जाता, और इसमें हमें एक पैसे नहीं लगा। और हमारे फादर जी का हाइड्रोसिल और पित्त की थैली के ऑपरेशन हुआ है, पथरी का, और हमें इस योजना से बहुत बेनिफिट मिला है। अगर ये योजना नहीं रहता तो हमें ये फ़ायदा नहीं मिलता, सारे पैसे घर से लगता। क्या इतने पैसे आमदनी है आपके? नहीं, इतना स्रोत नहीं है, आय नहीं है, हम सक्षम नहीं थे, नहीं करा पाते। आयुष्मान नहीं होता तो नहीं करा पाते। एक महिला रेनु का कहना है कि पहले बहुत कुछ सहना पड़ता था, बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे भी उधार मांगने पड़ते थे, लेकिन अब वो सरकार की इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद कर रही है। उनका कहना है कि सरकार की योजना से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। कितना लाभ मिल रहा है सरकार की स्कीम का? पहले तो मतलब कुछ वो नहीं था, पर अब जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से हमें बहुत फायदे हैं, और हम अच्छा इलाज भी करवा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पहले कितनी कठिनाइयों का सामना आप लोगों को? पहले हमें कभी इधर उधार लेना पड़ता था और अच्छा इलाज भी नहीं हो पाता था, और बहुत कुछ सहना पड़ता था, पर अब आयुष्मान कार्ड की वजह से मुझे कुछ भी सहना नहीं पड़ता है, तो बेहतर इलाज मिल पा रहा है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। गुरुग्राम के रहने वाले सूरज कुमार के पिता को भी दिल की बीमारी थी। अगर सरकार की तरफ से योजना का लाभ ना मिलता तो उन्हें काफी परेशानी होती और वो अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाते। इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया है और कहा कि आयुष्मान योजना से उन्हें नई जिंदगी मिली है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का अच्छा इलाज हुआ है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मेरा नाम सूरज कुमार है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मजदूरी करते हैं, मैं निजी कंपनी में काम करता हूं, और इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी कई दिनों से, तो अब आयुष्मान के थ्रू हम क्या नाम इस हॉस्पिटल में, विराट हॉस्पिटल में आए हैं, और हमारा बिना किसी पैसे के, और हमारे यहाँ पे 2 छल्ले भी चढ़ा दिए हैं, और अच्छे से अब ये ठीक ठाक भी हैं, और अब हमारे पास पैसे भी नहीं होते। अब क्या नाम, अगर हमारे पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होता
तो हम पता नहीं थी क्या कैसे करवा पाते थे। आयुष्मान ने नई जिंदगी दी है जी। एक महिला लाभार्थी जिन्हें समय समय पर डायलिसिस करवाना पड़ता है, उनकी बेटी मुस्कान परवीन का ये कहना है कि उन्हें सरकार की योजना का काफी फायदा हुआ है। अगर वो खुद से खर्च करते तो उन्हें काफी मुश्किल हो जाती, लेकिन सरकार की योजना का लाभ उन्हें भरपूर मिला है। उसकी माँ का अच्छा इलाज हुआ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुस्कान परवीन, ये मेरी मदर है और हम आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। हम इलाज कराते हैं किडनी डायलिसिस का। ये कार्ड से हमें बहुत लाभ हो रहा है और हम लोग आगे भी ये लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि है ना, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम जाकर के और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना इलाज करा सकें। और लोग को भी ये कार्ड यूज़ करना चाहिए ताकि उनके भी पैसे की सेविंग हो सके और आगे जो भी दिक्कत आती है वो उनसे लड़ सके। फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत हेल्प करती है, अच्छी है ये योजना। हम तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ताकि हमें इस योजना से इतना सहयोग मिल रहा है। अब तक तो हम वाई इलाज कराते तो काफ़ी हद तक पैसा लग चुका होता, जिससे अब हमें यहाँ पे जब से हम आए 6 महीने से तब से हमें बहुत लाभ हुआ है, बहुत पैसे की सेविंग हो चुकी है। ये कार्ड हमने अभी बनवाया है जब से इस हॉस्पिटल में आए हैं और बहुत हेल्प मिल रही है हमें। और ये कार्ड हमने वो जो हमारा राशन कार्ड होता है उसके थ्रू बनवाया था, तो हमारा नंबर आ गया और हमें ये कार्ड मिल चुका। मिडिल क्लास परिवार है हमारी। तो वहीं ऐसे अनेकों लोग हैं जो सरकार की इस योजना की काफी सराहना करते हैं, क्योंकि इस योजना से अंत्योदय परिवारों को काफी फायदा मिला है। कीर्ति नगर सेक्टर 15 में रहता हूं और पहले जो सरकारी हॉस्पिटल में हमें काफी धक्के खाने पड़ते थे, जब से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया तब से हमें कहीं भी 5 लाख का इलाज हो सकता है। इससे हमें काफी सहूलियत मिला है, कहीं भी हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं उनकी वैल्यू अच्छा मिलता है, इससे हम गरीब लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कितनी तकलीफ होती थी घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए कितने जद्दोजहद आप लोगों को करने पड़ते? उसे काफ़ी तकलीफें होती थी। किसी डॉक्टर के पास हम जाते थे प्राइवेट में तो इधर उधर धक्का खाने पड़ता था, कभी एम्स कभी इधर, जो है इसका काफ़ी सुनवाई हो रही है, इससे हम बहुत खुश हैं। कितना नाम मिल रहा है आयुष्मान भारत कार्ड का? बहुत अच्छा मिल रहा है इसका नाम, और काफ़ी जगह हमने पूछा भी, हर कोई अच्छा ही बता रहे हैं, हमें भी अच्छा लगा है। कौन सा कार्ड है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें? काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कैंसर का है और भी कई सारे बीमारी है, जैसे किसी भी बीमारी के लिए लो, छोटा मोटा हर बीमारी में ये काम आता है। प्रधानमंत्री कुंज में रहता हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर है जी। और जवाहर जी, कितना लाभ मिल रहा है आयुष्मान भारत कार्ड से? इससे जी बहुत लाभ मिल रहा है। पहले से अगर ऐसा पहले नहीं होता था इलाज, अब जो हम जो कुछ भी इलाज बड़े से बड़ा करा सकते हैं, और बहुत अच्छा कार्ड बनाया है सरकार ने। कितनी इसकी लिमिट है, कितने रुपए तक का इलाज करा सकते हैं? पहले कितनी कठिनाई होती थी आप लोगों को? अब तो ये 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की अगर लिमिट है, किसी हॉस्पिटल में चले जाए उसमें इलाज फ्री है। पहले कितनी परेशानी झेलनी पड़ती थी? पहले बहुत परेशानी थी, इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, अब तो इतने हॉस्पिटल भी हो गए, अब कोई इतनी ज़्यादा नहीं परेशानी जी। कौन सा कार्ड है, क्या नाम मिली कार्ड के पास? बहुत अच्छी राहत मिल रही है जी उससे। आएगा खुश है आप? हाँ जी, सरकार का धन्यवाद करें। हाँ बिल्कुल जी, सरकार का धन्यवाद, इतना बनाया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। निरोगी हरियाणा योजना अनेकों परिवारों के लिए वरदान है, जिससे गरीब परिवारों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही मकसद है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में परेशान न हो, हर कोई स्वस्थ रहे और खुश रहे, और अगर किसी को भी बीमारी हो भी जाए तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अगर कोई अपना इलाज करवा पाने में सक्षम, हर जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है।